वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानपूर्ण होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है। ज्ञानवर्धक होंगे ना, खुद तो ज्ञानवर्धक है नी ये। मेरी मम्मी को मेरे ज्ञानपूर्ण होने पे शक है। ज्ञानपूर्ण कितने ज्ञानपूर्ण है ना। तो गाइज, मेरी ये जो बॉटल है ना, ये खाली पड़ी हुई है। और ये पता है मेरे से क्या कहती रहती है, मैडम हमारी प्यास बुझा दो, हम बहुत दिन से प्यासे पड़े हुए हैं, हमारी प्यास बुझा दो, हमें कब भरोगी आप। तो मैंने सोचा आज इसको भर देते हैं, कल गाइस इसको लगाना होगा, इसलिए चल दिए। नियत पड़ी पड़ी फिर जाने पे होता तो है नहीं कुछ भी, ये लगाना है ना कल को, तो इसलिए तो गाइस मैंने सोचा कि कल मुझे बालों में तेल भी लगाना है। मैंने पहले ही बताया था तेल बालों में लगाने के लिए है ही नहीं, तो चलो आज इसकी प्यास भी बुझा देते हैं और मेरा कल का काम भी हो जाएगा। तो गाइस बेसिकली आज की वीडियो में हम हेयर ऑयल प्रिपेयर करेंगे अपने बालों के लिए। और ये जो हेयर ऑयल है वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके बालों की हर तरीके की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। मैं यही हेयर ऑयल अपने बालों में लगाती हूँ। तो गाइस फिर चलिए चलते हैं, इस बॉटल की तो प्यास बुझाते हैं और अपने लिए हेयर ऑयल प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले आ चुके हैं छत पे, तो हमें जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है एलोवेरा, और एलोवेरा जस्ट मेरे सामने है। तो गाइस देखिए, ये है हमारो कह रही हूँ मैं, हमारा ये है हमारा एलोवेरा का प्लांट। तो हमें सिर्फ एक इसकी ये लीफ चाहिए, तो ये मैंने एक ले ली है। गाइस पहला एलोवेरा हो चुका है इंग्रेडिएंट, अब दूसरा है मेथी। मम्मी मेथी मेथी घर में नहीं आ जा, अपने पापा से लिया जाकर। मम्मी तुम्हें दुकान में से चल। ये किचन मेरी मम्मी का है, लेकिन इसमें कोई काम पूछो गाइस थोड़ी सी रखी है, तो मम्मी का यही होता है। मुझे नहीं पता, अपने पापा से पूछा के सारी चीजें पापा से पूछ। चलो गाइस देखो थारी मैम कैसा बंदर बन रही है, बंदर बन रही है, बंदर देखो गाइज बंदर। तो गाइज यहाँ पर जो ऑयल बनाना है हमें, उसके लिए सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। ये कोकोनट ऑयल है, प्याज, और ये हमारा एलोवेरा है, और ये मेथी है। अब इस सुंदर कन्या को धोएंगे हम पहले, और इसके ये कांटे निकालेंगे ताकि ये हमें ढस, इसके कांटे बहुत तेज लगते हैं। तो ये गाइस टूटा फूटा अगेन बर्तन यूज करेंगे, और ये छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट करके डाल देंगे, ठीक है। ये ऑयल सारा डाल देंगे। तो ये 100 ml है, मैं हमेशा यही वाला बॉटल का ऑयल बनाती हूँ, और वो कुछ मेरा 15-20 दिन चल जाता है, फिर दोबारा बना लेती हूँ। तो आप अब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये हेयर ऑयल ये बर्तन बोझ रहे थे टूटा फूटा, हाँ, यही वाला। और ये हेयर ऑयल गर्ल एंड बॉय दोनों यूज कर सकते हैं। अब ये इतनी मतलब 1.5 चम्मच के आसपास मेथी डाल रही हूँ, और अब हम इसको धीमी आंच पे एकदम रख देंगे। आज तो क्या बात है मम्मी, मेरे से गैस एक बारी में ही जल गई, पावर आ गई पावर। अब जब तक ये ऑयल पकेगा तब तक हम इन प्याज का काम तमाम कर लेते हैं। ये देखो ऑयल धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। तो गाइज ये प्याज हमारी छिल चुकी है। गाइज इस प्याज को लेकर एक पहेली थी पहले मम्मी कि एक औरत सुंदर सी लगते पहने 1000 करके कुछ एक पहेली थी, तो उसका आंसर ना प्याज होता था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लेयर है ना, तो लगते मतलब कपड़े, मतलब एक औरत है जिसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए। मम्मी ने घिस दोगी क्या? हाँ ला हटा, एक बार में मान गई। क्या बात है, बिना कुछ सुनाए क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। बिना कुछ बोले एक बार में कैसे मान गई मम्मी तुम? मान गई, तेल चाहिए इसलिए। तो गाइस देखिए ये तेल ना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये मेथी के दाने आपको थोड़े भुने भुने नजर आ रहे होंगे, देखो बस अभी मैं इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी। तो गाइस अब एक साफ कपड़े में हम इस प्याज के
मतलब प्याज को छानेंगे और इसका रस निकालेंगे, जूस निकालेंगे, जितनी आपके पास ताकत है ना सारी लगा देंगे। गाइस ये ऑयल हमारा रेडी हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दी है। आप ये देख सकते हैं कैसे, मतलब एलोवेरा को देख सकते हैं किस तरीके के हो गए आप। और देखो मेथी दिखाती हूँ, मेथी भी कैसी हो गई है, दिख रही है। और कलर देखो ऑयल का पूरा चेंज हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे हेयर के लिए। तो गाइस इस ऑयल को आप पानी में रख कर ठंडा कर लेते हैं। तो गाइस ये ऑयल जो है वो ठंडा हो गया है, तो हम इसे बोतल में उतार लेते हैं। मम्मी तो वेट कर रही है तेल का। और फिर ये जो प्याज का रस है इसको भी डाल लेते हैं। देखो मम्मी आजू बाजू ही घूम रही है ताकि जल्दी से बने और मुझे लगाने के लिए मिले। तेल के लिए तो मैं घूम ही रही। ऑयल के लिए, ऑयल के, ऑयल, 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 हाँ। तो गाइस ऑयल हमारा रेडी हो चुका है, आप ही इसे ट्राई कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, किसी का ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कमेंट आया था, तो उसका आंसर आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, उसकी एक बड़ी लंबी सी कहानी है। और अब आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।